नमस्कार दोस्तों, मैं हूं बिंटू कुमार, कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ। और राजस्थान सरकार के द्वारा जिस तरीके से राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा की तैयारियां 26 सितंबर के लिए जोर शोर से की जा रही है, अंतिम रूप सरकार की तरफ से दिया जा चुका है। और सरकार ने जो 26 सितंबर को जो होने जा रही है जो परीक्षा, उसके लिए 3993 परीक्षा केंद्र बनाए हैं पूरे राजस्थान में। 3,500 रोडवेज बसें उन सरकार के द्वारा लगाई गई हैं। लेकिन जिस तरीके से सरकार की जो तैयारियां हैं उसको देखते हुए ग्रामीणों का भी काफ़ी सहयोग सरकार को मिल रहा है। अनेक सामाजिक संगठन जो हैं वो जो परीक्षा थी, जो परीक्षा देने के लिए विभिन्न स्थानों पर जा रहे हैं, उनके लिए रहने की खाने की व्यवस्था इस तरीके से की जा रही है। मैं फिलहाल नारायणपुर तहसील से बताना चाहूँगा कि जो थानागाजी तहसील है उसमें टोटल 14 सेंटर बनाए गए हैं, जिसमें से नारायणपुर में 7 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। 7 परीक्षा केंद्र में 1832 परीक्षार्थी रीट के एग्ज़ाम में बैठने वाले हैं। उसके लिए आदिवासी मीणा समाज की ओर से भी भोजन और रहने के लिए विशेष व्यवस्था सर्व समाज के परीक्षार्थियों के लिए की गई है। यहाँ जो कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा वो कार्यक्रम पुरुषोत्तम दास आश्रम के जो महंत हैं महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज, उनके सानिध्य में ये कार्यक्रम पूरा आयोजित किया जाएगा। आदिवासी मीणा समाज की ओर से सर्व समाज के लिए जो परीक्षार्थी यहाँ आने वाले हैं उनके लिए यहाँ पर रहने के लिए और खाने के लिए पूर्ण रूप से व्यवस्था की गई है। ये व्यवस्था 25 सितंबर शाम से शुरू हो जाएगी यहाँ पर। आइए हम उस स्थिति का जायज़ा लेते हैं, उन समाज के लोगों से, आदिवासी समाज के लोगों से बात करते हैं कि किस तरीके की जो व्यवस्था है उनके द्वारा परीक्षार्थियों के लिए जो की जा रही है उसके बारे में अवलोकन करते हैं। आइए चलते हैं उनके पास। महाराज जी, जो 26 सितंबर को जो परीक्षा होने जा रही है इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? बढ़िया, आराम से मैं बधाई देता हूँ 26 तारीख की। जो भी परीक्षार्थी आए हैं मीणा समाज की ओर से, आश्रम की ओर से, दोनों की ओर से यहाँ रहने की खाने की पूरी सुविधा मिलेगी और जो हमसे बनेगी सहयोग करेंगे। तो यहाँ के जो महंत हैं महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज, ये कह रहे हैं कि जिस तरीके से यहाँ की जो व्यवस्था जो बनेगी वो व्यवस्था पूर्ण रूप से जो अभ्यर्थी जो बाहर से आ रहे हैं उनके लिए की जाएगी। और भी यहाँ पर मीणा समाज के जो अध्यक्ष वगैरह हैं उनसे भी बात करेंगे। अध्यक्ष जी हैं हमारे साथ, माता दीन जी। सर, किन समाज के लिए ये व्यवस्था की जा रही है, किन अभ्यर्थियों के लिए की जा रही है, एक बार थोड़ा विस्तार से बताएं इस बारे में। ये व्यवस्था हमने महाराज जी के सानिध्य में सर्व समाज के अभ्यर्थियों के लिए किया है। साथ ही उनको सबको शुभकामनाएँ और उनके सफलता के कामना के साथ में ये किया जा रहा है और सर्व समाज की जो है ना सेवार्थ ये काम किया जा रहा है। तो आप देख रहे थे कि सर्व समाज के लिए ये व्यवस्था की जा रही है आदिवासी मीणा समाज की ओर से। मैं बता दूं यहाँ पर नारायणपुर में कुल 7 सेंटर बने हैं, 1832 अभ्यर्थी यहाँ परीक्षार्थी जो हैं वो परीक्षा देने के लिए आए हैं। किस तरीके की व्यवस्था रहेगी, वाहन व्यवस्था? सर, सबसे पहली बात है, कोई अगर दिव्यांग वगैरह कोई आएगा तो उसके लिए भी कोई के लिए भी अच्छी व्यवस्था यहाँ स्थान पे कर दी जाएगी। कोई बच्चियों के लिए भी अलग से व्यवस्था की गई है यहाँ, कोई किसी प्रकार की कोई भी बालकों को कोई दिक्कत नहीं आएगी। तो पूर्ण व्यवस्था इस समय समाज की ओर से की जा रही है, सभी के लिए ये व्यवस्था रहेगी। सर, आप क्या कहना चाह रहे हैं, जिस तरीके से समाज बढ़ चढ़ कर इस तरीके के कार्यक्रमों में हिस्सा ले रहा है? क्या है कि अन्य जिलों से जो बच्चे आते हैं वो बेचारे परेशान होते हैं और काफ़ी दिन से जो तैयारी करते हैं और उससे पूर्व रात को परेशान होकर जिस तरीके से बहुत अच्छी परीक्षा में बैठना चाह सकते हैं उस तरीके से वो परीक्षा में नहीं बैठ पाते हैं। उसी को देखते हुए हमारे जो महाराज जी है उनके सानिध्य में हमारे समाज के द्वारा ये व्यवस्था खाने की और रहने की निःशुल्क व्यवस्था 25 सितंबर सायंकाल से और 26 सितंबर दोपहर तक हम इनकी सेवा करेंगे और यदि आवश्यकता पड़ी परिवहन व्यवस्था की तो परिवहन व्यवस्था भी इनको सुचारू रूप से दी जाएगी। हालांकि जो सेंटर है हमारे यहाँ 500 मीटर के आसपास है, ऐसी कोई दिक्कत आएगी नहीं। फिर भी यदि आवश्यकता होगी तो जनना जो विकलांग व्यय या महिला अभ्यर्थी जिनको इस तरीके की व्यवस्था होगी तो परिवहन व्यवस्था भी लागू कर दी जाएगी। तो आप देख सकते हैं इतनी अच्छी व्यवस्था समाज की ओर से जो की जा रही है। युवा भी हमारे साथ मौजूद है, इनसे भी हम जानने की कोशिश करेंगे। सर, आप युवा हैं, जिस तरीके से समाज बढ़ चढ़ कर इस तरीके के कार्यक्रमों में आयोजन में भाग ले रहा है, क्या कहना चाहेंगे इस बारे में? सबसे पहले तो मैं सभी जो परीक्षार्थी है उनको सबको शुभकामना दे देना चाहता हूँ। और हमारे नारायणपुर जो तहसील हेडक्वार्टर है यहाँ के आसपास ही सभी सेंटर हैं, ज़्यादा दूर नहीं है। और परीक्षार्थियों को कहीं ज़्यादा परेशानी हुई जाने में तो हम अपने साधन से भी उनको छोड़ेंगे। और सभी को रात को रुकने की और खाने की व्यवस्था है दूसरे दिन तक। और
हम आगे भी ऐसे मतलब करते रहेंगे और करते आए हैं। सभी जगह रुकने की व्यवस्था की गई है, तो हमने भी सोचा कि हमारे क्षेत्र में भी हमें मौका मिला है आज ये करने का, तो हम भी आगे आकर के, हमारे समाज ने आगे आकर के ये सोचा है और ये काम किया है। सभी का सहयोग है, महाराज जी के सानिध्य में ये काम किया जा रहा है। और देखो कितनी अच्छी व्यवस्था है, काफ़ी लंबा चौड़ा हॉल है, इसमें रुकने की करीबन 2000 विद्यार्थी यहाँ रुक सकते हैं। इतनी अच्छी व्यवस्था है, लाइट है, पंखा है, सब जगह सभी चीज़ उपलब्ध है। तो आप देख रहे थे कि यहाँ पर जिस तरीके से महाराज जी के सानिध्य में जो व्यवस्थाएँ यहाँ पर की जा रही है, काफ़ी अच्छी व्यवस्थाएँ रहेंगी यहाँ पर। जिस तरीके से मैं यही वो हाल है जहाँ पर विद्यार्थी जो परीक्षार्थी हैं वो रुक सकेंगे। पंखे वगैरह यहाँ पर पूर्ण रूप से लग रहे हैं, चारों तरफ अच्छा हॉल है ये, चारों तरफ काफ़ी बड़ा हॉल है। मैं अपने कैमरामैन से कहूँगा एक बार ये दिखाएं यहाँ पर जिस तरीके से समाज की ओर से, आदिवासी मीणा समाज की ओर से जो व्यवस्थाएं की गई हैं। अभी यहाँ पर जो तैयारियां हैं वो देख सकते हैं आप, जिस तरीके से तैयारियां चल रही हैं। इनके रहने के लिए यहाँ पर बेड वगैरह की व्यवस्था की गई है, इनके लिए गद्दे वगैरह यहाँ पर लगाए गए हैं। अभी से आदिवासी मीणा समाज की ओर से ये तैयारी पूर्ण रूप से चल रही है, जिस तरीके से फैन वगैरह पंखे वगैरह की व्यवस्था है, किसी प्रकार से कोई परीक्षार्थी उनको कोई तकलीफ ना हो सेंटर तक पहुंचने के लिए। और हम आपको बताना चाह रहे हैं कि जिस तरीके से पहले जो इस बार जो अनेक समाज जो बढ़ चढ़कर इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं, काफ़ी अच्छा कार्य है ये, जिस तरीके से यहाँ देखने को मिल रहा है। पहले जो अभ्यर्थी जो परीक्षार्थी रहते थे वो कहीं पर रुकने की उनके लिए व्यवस्था नहीं होती, तो वो कहीं होटल या कहीं रेलवे स्टैंड या बस स्टैंड पर वो रहते थे। लेकिन इस बार जिस तरीके से समाज में जो जागरूकता आई है उसको देखते हुए काफ़ी अच्छा कार्यक्रम ये लोग कर रहे हैं, उनके लिए रहने की खाने की अनेक व्यवस्थाएं की गई है। सबसे बड़ी जो बात है, यहाँ पर सर्व समाज के लिए ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, जो एक अच्छी पहल है आदिवासी मीणा समाज की ओर से। जिस तरीके से महाराज जी के सानिध्य में, महामंडलेश्वर जनार्दन दास जी महाराज के सानिध्य में ये कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, मैं धन्यवाद देना चाहूँगा इस प्रकार के जो अनेक समाज जो बढ़ चढ़कर इस तरीके के कार्यक्रमों में भाग ले रहे हैं। कैमरामैन मुरारी मीणा के साथ मैं बिंटू कुमार, देखते रहिए बिंटू की नज़र।